Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बानी ये है मिस्टर भाटिया, मेरे वकील। बानी। हेलो। अब तो बताइए, आपने किस काम से बुलाया है मुझे? मुझे डिवोर्स चाहिए। आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? मिस्टर वालिया, आपको डिवोर्स किस ग्राउंड पे चाहिए? मेरी बीवी चरित्रहीन, शी इज कैरेक्टरलेस। आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? 2 चम्मच। सो टेल मी मिस्टर भाटिया, मुझे डिवोर्स कितनी जल्दी मिल सकता है? मिस्टर वालिया, केस पर डिपेंड करता है। डिवोर्स अगर म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी रजामंदी से हो तो। वैसे मुझे तो लगता है कि आपसी रजामंदी पर ही है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं जानता हूं कि किसी को डिवोर्स के लिए राजी कैसे किया जाता है। डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरी बीवी इस घर से निकल जाए। ये काम जितना ही जल्दी हो उतना ही अच्छा। प्रिया प्लीज, मेरी किसी भी बात का गलत मतलब मत लेना। मुझे लगा था कि नए जॉब मिलते ही मैं दोनों बात तुम्हें एक साथ बता दूंगा, ताकि तुम्हें मेरे जॉब खोने का कोई दुख ना हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पुष्कर, कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह मैं बनती जा रही हूँ? प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। रोशनी मैम के ऑफिस में मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैं जानता हूँ जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं ये जॉब छूटना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन रोशनी मैम ने जय सर के कहने पर मुझे जॉब से निकाला है। और इसकी वजह तुम नहीं हो, इसकी वजह हमारी शादी है। पर मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नई जॉब ढूंढ लूंगा। मेरे लिए तुम्हारा प्यार इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा साथ इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी पुष्कर, मैंने तुम्हें गलत समझा। पुष्कर, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? मैंने हमेशा एक अच्छी जिंदगी के सपने देखे और चैन की नींद सोने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है हमें। क्या होगा हमारी जिंदगी का पुष्कर? क्या हम हमेशा वक्त के भरोसे बैठे रहेंगे? डोंट वरी पिया, मैं बहुत जल्द नई जॉब ढूंढ लूंगा, तुम्हारे हर सपना पूरा करूंगा मैं, बिलीव मी। अरे भैया, आज कितने दिनों बाद आपने फोन किया। हाँ, हम सब ठीक हैं। आप सुनाइए, वहां सब कैसे हैं? कब? नहीं भैया, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परसों? ठीक है भैया, ओके बाय। किसका फोन था सीमा? माँ, वो जर्मनी से भैया का फोन था। भैया परसों मुंबई आ रहे हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एनीथिंग सीरियस सीमा? महेश, भैया यहाँ आएंगे तो वो यहीं रुकेंगे, और तुम तो जानते हो कि ये घर भैया का है, उन्होंने ही हमें यहाँ रहने की परमिशन दी है। और अब हमें उन्हें ये बात बतानी होगी कि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं। माँ, मेरे ख्याल से
जब तक भैया यहाँ रुकेंगे हमें उन्हें पुष्कर और पिया का मास्टर बेडरूम दे देना चाहिए। और कुछ दिनों के लिए पुष्कर और पिया को ड्राइंग रूम में एडजस्ट करना होगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं और पिया अपना सामान ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर लेंगे। Yes, Mr. Walia. Good morning, Mr. Walia. आपके कहने पर मैंने आपके डिवोर्स की हेयरिंग आज कोर्ट में अरेंज कर दी है। आज ही? जी मिस्टर वालिया, आपने कहा था ना आपको जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। आप बहुत लकी हैं मिस्टर वालिया जो आपको हेयरिंग का वक्त इतनी जल्दी मिल गया। आप मिसेस वालिया के साथ 10:30 तक मेरे ऑफिस पहुंच जाइए क्योंकि 11 बजे हेयरिंग का वक्त है। ओके, हम लोग पहुँच गए। थैंक यू। बानी, बानी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वकील के ऑफिस में जाना है। हमारी डिवोर्स की हियरिंग आ चुकी है। मैं पूजा करके आ रही हूँ। पहली बार मैंने भगवान के सामने प्रार्थना की है आपके लिए। बहुत दुख उठाया आपने, बहुत तकलीफें झेली हैं। मैंने प्रार्थना की है कि भगवान आज आपको आपकी सारी तकलीफों से छुटकारा दे दे। अरे बारी भाभी, आपकी विदाई की रस्म भी पूरी कर दूं मैं। आज का दिन तो बड़ा ही शुभ दिन है। जय भैया ने आज ही वकील से डिवोर्स के लिए बात कर दी और जज ने तो डिवोर्स के लिए अपॉइंटमेंट भी दे दी। बोलो पानी भाभी, एक बात पूछ सकती हूँ? आपको आपके होने वाले बच्चे के बाप का नाम तो पता है ना? नहीं मतलब कौन है बाप? हमारे घर का ड्राइवर है, माली है या कोई नौकर तो नहीं? नहीं मतलब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसी जिसकी औकात होती है उसी लेवल पे गिर के तो वो हरकतें करता है, इसीलिए। वैसे ही आप अपने पाप का घड़ा कहाँ जाकर फोड़ेंगी? इसी शहर में फोड़ेंगी या अपने फेवरेट माउंट आबू में? पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग जानते नहीं है ना, इसीलिए। ये गंदा खून किसका है, ये नाजायज औलाद किसकी है? लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। बच्चा पैदा होने के बाद आप उस बच्चे की परवरिश कैसे करें, इसीलिए पूछ रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा आप मुझे खबर कर दीजिएगा, अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं हर महीने आपको एक चेक भिजवाया करूंगी। अरे इसमें जय भैया को देखने की क्या जरूरत है? जय भैया भी बहुत दिलदार है, इवन माइंड। हम लोग आए दिन गरीबों की मदद करते रहते हैं, बस एक बार ये डिवोर्स हो जाए। ठीक है सर, चलो भाई। पुष्कर, तुम देख रहे हो सीमा भाभी ने? मैं जानता हूँ पिया, मुझे भी बुरा लग रहा है और हमारी वजह से माँ ड्राइंग रूम में एडजस्ट होने के लिए रेडी हो गई है। लेकिन वो ड्राइंग रूम में नहीं रहेंगी, वो अपने कमरे में रहेंगी। पुष्कर, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाभी और महेश भैया वहाँ रहेंगे? इसलिए मैंने सोच लिया है,
इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है, प्रिया हम ये घर छोड़ देंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।